हेलो दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स है 12 मार्च 2020 का, यानी आज का है। ओके तो इसमें सबसे पहला है नेशनल न्यूज़। आप देखिए तो नेशनल न्यूज़ में क्या बता रहा है, COVID-19 थेरेप्यूटिक्स एक्सेलरेटर फंड लॉन्च्ड। मतलब बोलना चाह रहा है कि जो आपका एक जो वायरस है जिसका नाम है कोरोना वायरस, उसी को COVID-19 बोल के लिखा हुआ है। कोरोना वायरस के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो COVID-19 जो थेरेप्यूटिक्स एक्सेलरेटर फंड है इसके लिए लॉन्च किया गया है। तो बोलते हैं कि नया फंड है जिसका नाम है COVID-19 थेरेप्यूटिक्स एक्सेलरेटर, जो कि लॉन्च किया गया है बिल्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, वेलकॉम के द्वारा और मास्टर कार्ड के द्वारा। ये 125 मिलियन का फंड है जो कि लॉन्च किया गया ताकि जो टेक्नोलॉजी है उसको मजबूती मिले या एक्सेलरेट मिले या तेजी मिले, ताकि वो फाइट कर सके COVID-19 एपिडेमिक का मतलब हो गया महामारी से, COVID-19 एपिडेमिक महामारी से। कहने मतलब अभी देखिए कोरोना वायरस पर दुनिया में फैल गया, एक तरह का महामारी हो चुका है। WHO ने भी इसको कह दिया है कि ये महामारी है, ठीक है, पेंडेमिक डिजीज है। COVID-19 थेरेप्यूटिक एक्सेलरेटर जो है वो फंड डिजाइन किया गया ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके, एसेस किया जा सके, डेवलप किया जा सके और स्केल किया जा सके ट्रीटमेंट COVID-19 का डिजीज का या बीमारी का, ठीक है। गवर्नमेंट यहाँ पर लॉन्च किया है महुआ बेस्ड अल्कोहलिक ड्रिंक, गवर्नमेंट ने यानी सरकार ने लॉन्च किया है महुआ बेस्ड अल्कोहलिक ड्रिंक शराब, ठीक है। तो जो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते TRIFED, और नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NRDC ने रिसेंटली साइन किया एक मेमोरेंडम जहाँ पर मैन्युफैक्चर करेगा महुआ नाइट्री बेवरेज। तो ये बेसिकली क्या है, दारू है, जिसको अल्कोहल क्या बोलते हैं, दारू बोलते हैं, वो महुआ से बनेगा, ठीक है। महुआ नाइट्री बेवरेज जो है उसके अंदर बहुत हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है। इसमें से खास बात क्या है, बहुत हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है इस दारू के अंदर, और इसके अंदर जो एक्चुअल में दारू है अल्कोहल है वो लेवल लगभग 5% का है अल्कोहल होता है या दारू होता है। और ये डेवलप किया जाएगा IIT दिल्ली के द्वारा और TRIFED के द्वारा, और रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये अवेलेबल हो जाएगा कुछ आने वाले कुछ महीनों में अवेलेबल हो जाएगा, और इसके कई सारे फ्लेवर भी आ जाएंगे। ट्राइफेड और NRDCA मैन्युफैक्चर करेगी महुआ बेस्ड अल्कोहलिक बेवरेज, ठीक है, जो कि महुआ नाइट्री बेवरेज जो है वो मार्केट में अगले आने वाले कुछ महीनों में आ जाएगा। और मीडिया रिपोर्ट की माने तो बेवरेज जो है इसमें 6-6 तरह के फ्रूट बेस्ड फ्लेवर होंगे। जो महुआ का जो अल्कोहल आएगा या जो दारू आएगा महुआ का, इसमें 6-6 तरह के फ्रूट के बेस्ड अल्कोहल फ्रूट बेस्ड फ्लेवर होंगे, और ये अवेलेबल होगा, जो प्राइस है ₹700 से अवेलेबल होगा, 700 750 ml, यानी 750 ml खरीदने के लिए आपको 750 ml खरीदने के लिए आपको ₹700 देने होंगे। और ऐसा पहली बार होगा जब ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री इस तरह की चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रही है अल्कोहलिक बेवरेजेस को। न्यू दिल्ली होस्ट करने वाला है एग्जीबिशन जिसका टाइटल्ड है जालियांवाला बाग, ठीक है। ये एग्जीबिशन टाइटल है जालियांवाला बाग, जो कि शेड्यूल्ड होगा दिल्ली में, जो जालियांवाला बाग है यहाँ एग्जीबिशन इनॉग्रेट किया जाएगा कल्चरल मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा, जो 130वां फाउंडेशन डे होगा नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया का NAI का। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन पब्लिक एंड CAPFs हेल्ड इन न्यू दिल्ली, बोलता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा वुमेन का पुलिस में और CAPF में, जो कि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिनका नाम है स्मृति जुबिन ईरानी, वो इनॉग्रेट करने वाली है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन पुलिस एंड CAPF, जिसको बोले सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, नई दिल्ली में ये फंक्शन होगा। ये कॉन्फ्रेंस जो होगा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRND के द्वारा। स्मृति ईरानी यहाँ रिलीज करेंगे एक हैंडआउट BPRND मिरर जेंडर बेस्ड के ऊपर, और ये बुक टाइटल्ड होगा ग्रेटर हाइट्स के लिए। टाइटल किसके लिए होगा, ग्रेटर हाइट्स के लिए टाइटल होगा। GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंस्टिट्यूट किया है कमेटी, जो कि डिसाइड करेगा क्या मॉडलिटीज होगी किसान रेल का, ठीक है। तो यहाँ GOI जो होगा वो क्या है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंस्टिट्यूट किया है कमेटी जो कि डिसाइड करेगी मॉडलिटीज ऑफ किसान रेल के ऊपर, किस तरह किसान रेल होगा। तो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने कंस्टिट्यूट किया है कमेटी जो कि डिसाइड करेगा क्या मॉडलिटीज होगी किसान रेल का। ये कमेटी जो होगी ये फॉर्म किया जाएगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर का, जो कि जिसके साथ
रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इंडियन रेलवे के। किसान रेल जो है वो प्लान किया जा रहा है ताकि सेटअप किया जा सके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए, यानी किसान रेल जो है प्लान किया जा रहा है सेटअप किया जा सके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा, ट्रिपल पी मोड के द्वारा। अब किसान रेल को प्लान किया गया कि सेटअप किया जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ट्रिपल पी मोड पर, और फैसिलिट किया जाएगा जहाँ पे कोल्ड सप्लाई चेन जो है ट्रांसपोर्ट का, खास करके पेरिसेबल गुड्स का, यानी वैसे गुड्स जो सड़ जाती हैं वहाँ पे उसको क्या करना होगा, कोल्ड स्टोरेज में रखना होगा, यानी कोल्ड सप्लाई चेन किया जाएगा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में। इसलिए किसान रेल की प्लान की जा रही है, इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि किसान रेल जो है प्रपोज किया जाएगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के समय, उनका जो बजट आएगा 2020-21 में, जहाँ पे वो ऐसा सेटअप करेंगी सीमलेस नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन, खास करके पेरिसेबल आइटम्स जैसे फिश हो गया, मिल्क हो गया, मीट हो गया, ठीक है। तो कहाँ आएगा ये इनिशिएटिव, किसान रेल का इनिशिएटिव आएगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अपने अगली बजट जो आएगा 2020-21 में, उसमें ऐसा सेटअप करने वाली बताने वाली हैं जहाँ पे नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन, खास करके पेरिसेबल आइटम्स जैसे फिश हो गया, मिल्क हो गया, मीट हो गया। ओडिशा गवर्नमेंट टू लॉन्च सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर SHG मिशन शक्ति डेडिकेटेड टू वुमेन, बोल रहा है कि ओडिशा गवर्नमेंट एक नया या सेपरेट डिपार्टमेंट लॉन्च करने वाली है SHG के सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, जो मिशन शक्ति होगा जो डेडिकेट होगा वुमेन लोगों के लिए। फिर जो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा है, जहाँ की चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है, उन्होंने अनाउंस किया है कि स्टेट लॉन्च करेगा एक एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप का, जिसको हम बोलते हैं मिशन शक्ति, और ये डेडिकेटेड होगा सारे वुमेन के ऊपर जो भी स्टेट के हैं। जो गवर्नमेंट है आपका ओडिशा गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा है जहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने क्या अनाउंस किया, उन्होंने अनाउंस किया कि स्टेट लॉन्च करने वाला एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप का, जिसका मिशन होगा, जिसको हम बोलेंगे मिशन शक्ति, जो कि डेडिकेटेड होगा सारे वुमेन के ऊपर जो भी स्टेट में होंगे। यहाँ पे ऐसा पहली, ये जो ओडिशा होगा, ओडिशा को ऐसा स्टेट में पहला राज्य बनेगा, ओडिशा पूरे देश में ऐसा पहला राज्य बनेगा जहाँ पे सेपरेट डिपार्टमेंट होगा जो कि डेडिकेटेड होगा SHG के लिए, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप में कौन होता है, ज़्यादातर लेडीज होती हैं, ठीक है, गरीब घर की लेडीज होती हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन में भाई तो बोलता है नूपुर कुलश्रेष्ठा पहली वुमेन बनी है जो DIG ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड की, ठीक है, यानी इंडियन को यहाँ पे लिखा है नूपुर कुलश्रेष्ठा ऐसी भारतीय महिला पहली बार बनी है जिनको कि प्रमोट किया गया है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। DIG का फुल फॉर्म क्या है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल भारतीय, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के, कोस्ट गार्ड का। उन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन किया था 1999 बैच में। जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो एक मल्टी मिशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंडक्ट करता है साल भर का रियल लाइफ ऑपरेशन सी में, यानी समुद्र में रियल लाइफ ऑपरेशन कंडक्ट करता है। इंडियन कोस्ट गार्ड इस्टेब्लिश हुआ था 18 अगस्त 1978 को, या 1978 को, इंडियन कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 का, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से एक एक्ट पास हुआ, जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स वो रहेगा भारत का, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड जो है भारत का इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स है, जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी आपका 18 अगस्त 1978 से एक कोस्ट गार्ड एक्ट के तहत पास किया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भाई बोलता है बाय ल्यूमिनेसेंट सिक्योरिटी जो होता है उसका इंक जो होगा वो आपको फेक प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स को रोकने में कारगर साबित होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला कि जो टीम है भारतीय साइंटिस्ट को, उन्होंने रिसेंटली डेवलप किया है बाय ल्यूमिनेसेंट सिक्योरिटी इंक, जिसकी मदद से जो फेक करेंसी प्रिंट हो रही है उसको पकड़ पाएंगे, उसको आप रोकने में मदद मिलेगा। सिर्फ फेक करेंसी नोट्स ही नहीं बल्कि पासपोर्ट्स को भी रोकने में मदद मिलेगा, साथ ही साथ जो आपका ये पैकिंग है फेक मेडिसिन का उसको भी रोकने में मदद मिलेगा। यहाँ जो इंक है वो डेवलप किया गया है साइंटिस्ट ऑफ नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के द्वारा, NPL के द्वारा, CSIR के द्वारा, और जो एकेडमी है साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च के द्वारा। रैंकिंग में ये तो बोलता है मुकेश अंबानी अपना अस्तित्व खो गए, वो एक्चुअली क्या थे, एशिया के सबसे अमीर आदमी थे, जो कि मुकेश अंबानी अब एशिया के सबसे अमीर आदमी नहीं रहे, ठीक है, अब हो गए हैं जैकमा हो गए,
आरआईएल के जो चेयरमैन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, उन्होंने अपना जो बोल सकते हैं कि आप एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन थे वो लॉस्ट कर लिया उन्होंने, और वो लॉस्ट किया है किस इंसान से, जैक मा से, जैक मा अलीबाबा के फाउंडर मेंबर हैं उनसे। जैक मा अभी एशिया के रिचेस्ट मैन हो गए, उनका टोटल नेटवर्थ है 44.5 US बिलियन डॉलर है, जबकि अंबानी का है सेकंड पोजीशन में अंबानी आते हैं जिनका नेटवर्थ है US$41.8 बिलियन का है। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स में आइए, बोलता नवीन पटनायक ने रिलीज किया है बुक एडवेंचरर्स ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट। नवीन पटनायक ने बुक लॉन्च किया जिसका नाम है द एडवेंचरर्स ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट। बोलता है जो चीफ मिनिस्टर ने ओडिशा के नवीन पटनायक, उन्होंने रिलीज किया है एक कॉमिक बुक, कॉमिक मतलब हास्य बुक है, जिसका टाइटल है द एडवेंचर्स ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट का करके ऐसा टाइटल है। इस बुक में रिलीज किया गया है उस ओकेजन पर रिलीज किया गया जब 104 बर्थ एनिवर्सरी था फॉर्मर ओडिशा, यानी जो भूतपूर्व ओडिशा के मुख्यमंत्री थे और नवीन पटनायक के पिताजी हो गए, या ओडिशा के पूर्व बोल सकते हैं पूर्व भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो कि अब नहीं रहे इसलिए लेट लगा हुआ है, बीजू पटनायक भुवनेश्वर में, उनके ओकेजन पे यानी उनकी 104वीं बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पे ये बुक लॉन्च किया गया है ओडिशा में। ये बुक डील करता है लाइफ और वर्क जो लीजेंडरी लीडर होते हैं और नवीन पटनायक के फादर बीजू पटनायक के ऊपर है। ये बुक किसके ऊपर डेडिकेटेड है, लाइफ, कैसा लाइफ होना चाहिए लीजेंडरी, कैसा लाइफ होना चाहिए, कैसा वर्क होना चाहिए लीजेंडरी लीडर का, और ये बुक बीजू पटनायक जो हैं, जो नवीन पटनायक के पिताजी उनके ऊपर डेडिकेटेड ये बुक है। ये बुक का असली काम है, मकसद है कि इंस्पायर करना और इनक्रेज करना यंग माइंड्स को ताकि वो सर्व कर सके अपने देश की भूमि के लिए, यानी अपनी मातृभूमि के लिए, मदरलैंड के लिए। ये जो कॉमिक बुक है प्रिपेयर किया गया है कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा। आप प्रॉपर क्लैट का वीडियो कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, जिसका प्राइस है 3,000 रुपये। आप ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर है 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। आप वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.clatmadeeasy.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seetsena123@gmail.com।